वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे, खैरपुर के करीब टंडुमस्ती में डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान जान भाग जबकि दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। खैरपुर के करीब टंडुमस्ती में डाकुओं की फायरिंग से कोलाब झील का रहायशी नौजवान आजम खास के लिए जान भाग हो गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान बाग पर कोलाब झील से अपने दर्जी की दुकान से वापस अपने गाँव जा रहा था तो डाकुओं ने इसे रोकने का इशारा किया। नौजवान आजम खास के लिए ने गाड़ी न रोकी तो डाकुओं ने इसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके बाद वो शदीद जख्मी हुआ। इसके बाद इसको सिविल अस्पताल खैरपुर लाया गया। वहाँ जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं आरिफाला से, जहां टोटल ऑयल कंपनी की गाड़ी ने बच्चे का सर मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। ड्राइवर को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक मेहनतकश मोहम्मद अरशद मोची सकना चौक मरले का कमसन बच्चा रेहान मौका पर ही जान भाग, ड्राइवर गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। चौक मरले भिंडरा पंप के करीब हादसा पेश आया। डोडर टोटल ऑयल कंपनी की तेज रफ्तार गाड़ी ने फूल से बच्चे को कुचल डाला। चौक मरले में एक हफ्ते में लगातार 3 ट्रैफिक हादसे पेश आए। रेस्क्यू 112 और पेट्रोलिंग पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। अब लोग करते हैं लंदन शहर की तरफ, जहां पंजाब की तरह लंदन शहर में भी कारोबारी मराकज बंद हैं। जो अमल दरामद नहीं करेंगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन से। जी फिदा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी, पंजाब भर की तरह लुडन शहर के नवाही इलाका डा कच्ची पक्की में भी तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं, जो कि 16 मई तक बंद रहेंगे। जबकि दौरान इशा जरूरत मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, तंदूर, दूध, दही, 24 घंटे ग्रोसरी की दुकानें, मिठाई, गोश्त और बेकरी की दुकानें, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। वियाड़ी इंतजामिया की तरफ से ऐलान किया गया, अगर दुकानदार दुकानें खोलेंगे तो उनके खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सरगोधा के इलाका बागचावाला में मेहमान खातून शकीला पर गुलाम अब्बास वगैरह ने कातलाना हमला कर दिया। लड़ाई छुड़वाने के लिए शकीला आगे बढ़ी तो इन्होंने इसी खातून को शदीद जख्मी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सुमैया खालिद से। जी सुमैया, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास? सरगोधा के इलाका भागतावाला में मेहमान खातून शकीला पर गुलाम अब्बास वगैरह ने कातलाना हमला कर दिया। लड़ाई छिड़वाने के लिए शकीला आगे बढ़ी तो उन्होंने इस खातून पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इस खातून का हाथ तोड़ दिया। खातून ने थाना भागतावाला से रब्ता किया। पुलिस ने मेहमान खातून शकीला का मेडिकल THQ अस्पताल भागतावाला से करवाया, जिसमें तशद्दुद करना पाया गया। थाना भागतावाला ने मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुल्जिम मौके से फरार हो गए। SHO भागतावाला ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। कैमरामैन सागर के साथ समिया खालिद, RNN न्यूज़ सरगोधा। बहुत शुक्रिया समिया खालिद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। तंगवानी और गिरदोनवा के इलाकों में खसरा की बीमारी में इजाफा। 3 हफ्तों के दौरान खसरा के मुजी मर्ज शाहबाग होने वाले बच्चों की तादाद 9 हो गई। तंगवानी सेहत इंतजाम अब तक इस बीमारी से बचाव के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठा रही। गाँव रहीम बख्श नंदवानी में खसरा के मर्ज में इजाफा, मुतदा बच्चे खसरा की बीमारी में मुबतला है। खसरा बीमारी की रोकथाम के लिए तंगवानी हेल्थ इंतजामिया के डॉक्टर शाहनवाज टहानी से राब्ता किया है तो डॉक्टर शाहनवाज ने बच्चों को वैक्सीन करवाने से इनकार कर फौरन फोन बंद कर दिया। उन्होंने मजीद DC कश्मीर मुनव्वर अली मठियानी से मुतालबा करते हुए कहा कि खुदारा फौरन नोटिस लेकर खसरा जैसी मुझे बीमारी पर कंट्रोल करके मासूम बच्चों की जिंदगियों को खसरा की बीमारी से बचाया जाए ताकि बच्चे मौत से बच सकें। THQ अस्पताल साईवाल से अगवा होने वाला 1 साल का बच्चा पुलिस ने बरवक्त नाकाबंदी करके पत्तों की से मुलजमान को गिरफ्तार करके बच्चा बरामद कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की रहायशी मरियम बीबी ने साईवाल THQ अस्पताल से 9 माह का बच्चा अगवा किया और बाद सवारी बस जानब लाहौर जा रहे थे। फ्री टाउन पुलिस साईवाल ने बस को ट्रेस करने के बाद थाना सदर पत्तों की पुलिस को हालात वाकया के मुतालिक आगाह किया। SHO थाना सदर पत्तों की सरबराही में पुलिस ने फौरी स्पेशल नाकाबंदी करते हुए मजकूर बस को रोका। बस में सवार खातून मरियम बीबी को गिरफ्तार करके 1 साल के बच्चे को बाज याब कर लिया, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। मेरे पास औलाद नहीं थी इसलिए बच्चे को अगवा किया, खातून का पुलिस को बयान। जी बहुत शुक्रिया चौधरी हमाद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अब रुख करते हैं जाफराबाद का, जहां पर पाक वतन पार्टी की जानिब से गरीब और नादरा लोगों में ईद पैकेज के हवाले से इमदादी चेक तकसीम किए गए। पाक वतन पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ईद पैकेज के हवाले से गरीब और नादरा लोगों में चेयरमैन पाक वतन पार्टी मीर सैफुल्ला खान ढुमकी ने अपने हाथों से इमदादी चेक तकसीम किए। जाफराबाद के शहर ओस्ता मोहम्मद, डेरावला या नसीराबाद के इलाके छतर समेत मुख्तलिफ शहरों में इमदादी चेक तकसीम किए गए। चेयरमैन पाक वतन पार्टी मीर सैफुल्ला खान ढुमकी ने मुखीर हजरात से अपील की है कि ईद के मुबारक मौका पर अपने प्यारों के साथ साथ अपने गिरदोनवा में ऐसे गरीब और मस्कीन अफराद जो कि ईद की खरीदारी करने से कासिर हों, इनकी माली इमदाद की जाए ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सकें।
वादी नीलम जिले हेडक्वार्टर में जिला इंतजामिया ने सख्ती से लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाते हुए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 2000 से 5000 तक जुर्माने आयद किए और FIR भी दर्ज की गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फारूक शाद से। जी फारूक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, नीलम वैली ज़िली हेडक्वार्टर अठमुकाम में इंतजामिया ने सख्ती से लॉकडाउन पर अमल दरामद कराते हुए लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों पर 2000 से 5000 तक जुर्माने आयद किए, FIR भी दर्ज की गई और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर नीलम, DSP, तहसीलदार, SHO और नायब तहसीलदार के साथ पुलिस फोर्स के जवान अठमुकाम के बाज़ारों और मेन शाहराहों पर ट्रांसपोर्ट को चेक करते रहे। दौरान चेकिंग असिस्टेंट कमिश्नर अठमुकाम सैयद इमरान अब्बास नकवी ने मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों को जब्त करते हुए ड्राइवर्स पर 5000 रुपये जुर्माना भी किया, जबकि मुसाफिरों से जो इजाफी पैसे किराए की मद में ले गए थे वो भी वापस करवा दिए। मास्क न पहनने वाले लोगों को वार्निंग देते हुए हल्के जुर्माने करके छोड़ दिया गया। बहुत शुक्रिया फारूक शाद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद खालिद सोमरू ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का हामी नहीं मुखालिफ है, ये बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है। सिंध को इसके जायज हक से महरूम रखा जा रहा है। सिंध हुकूमत सिंध पर लगाए जाने वाले 7 अरब 880 अरब का हिसाब दें। उन्होंने टंडू जाम के करीब गांव शेर मोहम्मद मौलाना फजलुर रहमान के गार्ड शेर मोहम्मद मरी के भाई गुल मोहम्मद मरी के इंतकाल पर तजियत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 18 साल से कह रहे हैं कि इमरान खान मुल्क का हामी नहीं मुखालिफ है, जो कि मुल्क तोड़ना चाहता है, गैर मुल्क के एजेंडे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान सिंध को तरजीह नहीं दे रहा, सिंध के हकूक पर डाका डाल रहा है, सिंध के जजीरों पर कब्जा करना चाहता है, माहौलियाती अवार्ड में सिंध को इसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सिंध 70% रेवेन्यू दे रहा है मगर इस पर सिर्फ 18% खर्च किया जा रहा है, जो कि सिंध के साथ नाइंसाफी है। हुकूमत पंजाब के अहकाम खुखाते आज सरेआम हिजरू म्यूनसिपल कमेटी की हदूद नस्तर बेला मोड़ पर कोरोना की तीसरी लहर में सहूलत बाजार और मवेशी मंडी दोबारा लग गए। अटक इंतजामिया और खिजरू म्यूनसिपल कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर खिजरू की आशीर्वाद पर बगैर मास्क और SOPs की खुला खिलाफ वर्जियाँ जारी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद अली खान से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हुकूमत पंजाब के अहकाम खूब खाते सरेआम मजलूम म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद नस्त तरबेला मोड़ पर कोरोना की तीसरी लहर में सहूलत बाजार और मवेशी मंडी दोबारा लग गई। डिस्ट्रिक्ट अटक इंतजामिया और हजरों म्यूनिसिपल कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर हजरों की आशीर्वाद पर बगैर मास्क SOPs के खुला मुखुला खिलाफ वर्जियाँ जारी। कोरोना वायरस सिर्फ दुकानदारों और मजदूरों तबकात को परेशान करने में मुबतला रहता है। हुकूमत पंजाब की नाकामी का मुंह बोलता सबूत, म्यूनिसिपल कमेटी हजरों के अफसरान बाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोरोना की तीसरी वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले तमाम लोग इस सहूलत बाजार और मवेशी मंडी में आते हैं, जो कि आम आवाम में तशवीश में मुबतला दिखाई दे रहे हैं। चेक एंड बैलेंस नाम की कोई चीज ही नहीं। सोशल मीडिया पर वबंग दावे सिर्फ अपनी कारकर्दगी दिखाने के दर पे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर अटक, इन सरकारी जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करे। जी बहुत शुक्रिया साजिद अली खान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। RNN न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnnews.st.tv और देखते रहिए RNN न्यूज। इसी के साथ मुझे मोमना शहबाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम जरूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्या है कि सारी चीज़ें जो है कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का मियार है वो पूरे शहर में उस तरह का मियार हमें नहीं मिलता। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरे को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है, ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया, मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात,
ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राणा उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।